किताब वाले अंकल ने बुक के 85 रुपए ज्यादा ले लिए। रोती बिलकती थाने पहुंच गई बच्ची। हरदोई में पिता की मेहनत की कमाई दुकानदार ने लूट कर खानी चाहिए। थानेदार से फफकती बच्ची ने मांगा इंसाफ, दुकानदार से पैसे वापस दिलवाने की लगाई गुहार। जागरूक बच्ची ने जन सुनवाई में उठाई आवाज, दुकानदार को कराया गलती का एहसास। वो कहते हैं ना कि देने वाला चाहे कुछ भी दे दे, लेकिन गरीबी ना दे। खासकर ऐसे समाज में तो बिल्कुल भी नहीं, जहां गरीब को ही नोचने वाले बैठे हों, गरीब से ही लूट कर खाने वाले बैठे हों, मजबूर गरीब की गरीबी का फायदा उठाने वाले बैठे हों। अब योगी के उत्तर प्रदेश के हरदोई का ही मामला देख लीजिए, कैसे बच्ची का रो रो कर बुरा हाल है। वजह हमारे आपके लिए छोटी हो सकती है, लेकिन इस बच्ची के लिए बहुत बड़ी है, जिसके पिता को एक एक रुपए के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जिसका पिता एक एक रुपया जब कमा कर लाता है, तभी उसका पेट भर पाता है। ऐसे में ऐसी बच्ची ने अपनी गरीबी को जरूर समझा है, लेकिन अन्याय सहन करना इसके पिता ने इसको नहीं सिखाया है। तभी तो जब दुकानदार ने इस बच्ची से किताब के ज्यादा पैसे ऐंठे, तो देखिए इस बच्ची ने क्या किया। हरदोई से ये रोती हुई छात्रा का वीडियो सामने आया है। थाने में छात्रा फफकते हुए कह रही है, किताब वाले अंकल ने उससे 85 रुपए ज्यादा लिए हैं। पापा मजदूरी करते हैं, किसी तरह पढ़ा रहे हैं। हमने पढ़ा है कि उपभोक्ता के अधिकार होते हैं, इसलिए हमारा पैसा वापस कराया जाए। इस बच्ची का ये वायरल होता हुआ वीडियो यूपी के हरदोई जिले के माधोगंज थाना इलाके का है। शनिवार को थाने में जन सुनवाई चल रही थी। इसी जन सुनवाई में पहुँच कर फफकती इस बच्ची को देख हर किसी का दिल पसीज गया। ये बच्ची एमएस पब्लिक स्कूल की छात्रा रौनक है। जब रौनक को इस तरह से थानेदार ने रोते बिलखते देखा, तो पूछ लिया कि बच्ची को परेशानी क्या है। इतने में ही बच्ची ने जन सुनवाई में अपने साथ हुई 85 रुपए की ठगी की पूरी कहानी सुना डाली। रोती हुई रौनक ने बताया, मैंने अंकुर बुक डिपो वाले अंकल से भौतिक विज्ञान की बुक खरीदी थी। उन्होंने 850 रुपए में दी, जबकि दूसरी दुकानों में ये बुक 765 रुपए में मिलती है। जब हमने अंकल से कहा कि उन्होंने पैसे ज्यादा लिए हैं, तो वो पैसे वापस कर दें, लेकिन अंकल ने पैसे वापस नहीं किए। रौनक ने फिर अपना हाल भी सुनाया कि क्यों उसके लिए ये 85 रुपए इतने अहमियत रखते हैं। रौनक ने बताया, पापा मजदूरी करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। मेरी चप्पल टूट गई है, चप्पल को 5 रुपए देकर जुड़वाया है, ड्रेस भी फट गई है, मुझे मेरे पैसे वापस करा दीजिए। बच्ची की बात सुनकर जन सुनवाई में बैठे अफसरों ने तुरंत 2 महिला सिपाहियों को बच्ची के साथ अंकुर बुक डिपो वाले दुकानदार के पास भेजा। इस मामले में थानाध्यक्ष ने बताया कि बच्ची की शिकायत के बाद महिला सिपाही दिव्या द्विवेदी और प्रगति दुबे को दुकानदार के पास भेजा गया। दोनों महिला सिपाहियों ने दुकानदार से अधिक रुपए लेने की बात पूछी, तो उसने अपनी गलती मानी। दुकानदार ने पैसे वापस कर दिए। रौनक का घर हरदोई से 42 किलोमीटर दूर कानपुर रोड पर किदवाई मोहल्ले में है। रौनक के घर की हालत कुछ ऐसी है कि दीवारें तो हैं, लेकिन छत पर लिंटर नहीं पड़ा है। घर में 2 कमरे हैं, चारों तरफ बाउंड्री हो गई है। इसी घर में 7 लोग रह रहे हैं। घर में मवेशी भी रहते हैं, भूसा भी भरा है, चारपाई जो है वो टूटी हुई है। शायद इसी हालत से जूझ रही रौनक से जब दुकानदार ने 85 रुपए की लूट की, तो अपने आंसू रोक नहीं पाई और इंसाफ मांगने के लिए थानेदार के पास पहुंच गई। इसको लेकर जब रौनक से सवाल किया गया, रौनक से पूछा गया कि उसने थाने जाने का मन कैसे बनाया, तो रौनक ने सीएम योगी का जिक्र किया। रौनक ने इस हिम्मत के लिए योगी सरकार को वजह बताया। रौनक ने कहा, अखबारों में पढ़ा था कि योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, उम्मीद थी कि मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। रौनक की इस बात से साफ है कि योगी राज में लड़कियों को सुरक्षा तो मिली ही है, साथ ही अपनी लड़ाई लड़ने की हिम्मत भी मिली है, आत्मविश्वास भी बढ़ा है। अपने हक के लिए आवाज उठाने का जज्बा जरूर लड़कियों ने भी योगी राज में सुरक्षित रहते हुए अपने अंदर भरा है। आपको बता दें, रौनक के घर में पिता सुभाष हैं, जो मजदूरी करते हैं, माँ गृहिणी हैं। 5 बच्चों में 2 बड़ी बहनें अंकिता और प्रज्ञा हैं। अंकिता 22 साल की, जबकि प्रज्ञा 19 साल की है। बड़ा भाई सूर्य प्रताप 16 साल का है, फिर रौनक है और फिर छोटी बहन प्रगति है, जो कि 12 साल की है। इतने बड़े परिवार में देखिए 85 रुपए की अहमियत कितनी ज्यादा है, जो योगी सरकार में लड़कियों में बढ़े आत्मविश्वास की वजह से रौनक को वापस मिल गए हैं। वहीं कहीं रौनक ने अपनी जुबान बंद रखी होती, किसी से अपनी परेशानी साझा नहीं की होती, तो कहां मिल पाता रौनक को इंसाफ। वैसे योगी के प्रदेश में रौनक जैसी बच्चियों में बढ़ी हिम्मत को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।